य नमः ॐ नम्बोत्तराय नमः ॐ शूर्वकर्णाय नमः हाय हेलो नमस्ते नमस्कार शिष्य का आदा वनकम एंड यो विद नम्रता इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के लिए हेयर स्टाइल सो या गज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट एस टी आर टी ई डी फर्स्ट एसटर के लिए गाइस साइड पार्टीशन कर लें हेयर का और उसके बाद स्मॉल सेक्शन ले लेके आपको हेयर को ट्विस्ट करना है और फिर न्यू सेक्शन लेकर उसमें ट्विस्ट में ऐड करते जाना है और फिर उसे ट्विस्ट करते जाएं ईयर तक के हेयर के साथ सिर्फ आपको इसी तरीके से करना है और पीछे ले जाके बॉब से उसे वहीं पर सिक्योर कर दें दूसरे साइड भी बस इसी तरीके से आपको फ्रंट हेयर सेक्शन लेना है और ट्विस्ट करते जाना है साथ ही गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एकदम स्ट्रेट साइड पार्टीशन मांग क्रिएट नहीं किया है तो, तो जरूरी नहीं कि आपको एकदम परफेक्टली वैसे ही करना है। आप ऐसा भी थोड़ा सा मैसी रहेगा तो भी चल जाएगा तो महाराष्ट्रीय लुक में स्पेशली ये गजरा लोग वेयर करते हैं तो यहाँ पे मैं सारे हेयर को पीछे ले जाके अच्छे तरीके से उसे टाई कर दूंगी रबर बैंड से और यहाँ पे मैंने लिया है डोनट बन और डोनट बन के ऊपर मैं अपने हेयर को इस तरीके से स्प्रेड कर लूँगी एक और रबर बैंड लेकर मैं उसके ऊपर लगा दूँगी जिससे कि एज इट इज मेरा जो भी हेयर है वो वहीं का वहीं टिका रहे अब बाकी के जितने भी हेयर है अगर आपके ये लॉन्ग हेयर भी हैं तो भी ये सारे के सारे हेयर आप अच्छे तरीके से इस तरीके से रैप कर दें चारों तरफ डोनट के और बॉबी पिन से सिक्योर कर दें शॉर्ट हेयर है तो भी जैसे कि आप देख सकते मेरे हेयर इस टाइम लॉन्ग नहीं है शॉर्ट हो गया तो अब आप यहाँ पे अपना जो रियल गजरा है वो लगा ले यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल लगाया है आर्टिफिशियल हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बीच में कोई भी फ्लावर आप ऐसे जरूर लगाएं इससे क्या होता है पूरा बन का ना बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है मैं आपको आगे से भी लुक दिखा दे रही हूँ बिकॉज़ बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपने पीछे से दिखाया आगे से उसका लुक कैसा है वो नहीं दिखाया तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही शॉर्ट्स दे रही हूँ आगे से और पीछे से दोनों साइड अब गई नेक्स्ट हेयर स्टाइल में आपको अगेन वैसे ही साइड पार्टीशन रखना है और उसके बाद अपने ईयर के पास का एकदम बीच का हेयर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बीच का हेयर लें और फिर अब उसमें आपको थ्री इक्वल सेक्शन करके जैसे कि नॉर्मल चोटी बनाते हैं बस उस तरीके से आपको पूरी चोटी बना लेनी है का जो भी मैं आपको बता रही हूँ स्टाइल ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है ईजीली आप क्रिएट कर सकते हैं तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप गणेश चतुर्थी के लिए नहीं तो अगर आप साड़ी भी वेयर कर रहे हैं तो साड़ी पे भी ये सारे हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छे दिखेंगे अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा हेयर लिया और ईयर के पास का जो थोड़ा सा हेयर है वो लिया अब इन तीनों को इस तरीके से अटैच करके मैं इसे पीछे ले जाके बॉब पिन से सिक्योर कर दूँगी तो ये भी एक बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है बट बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है और एक साइड में अपने हेयर को इस तरीके से ओपन रखें तो आप गणेश चतुर्थी पे तो ऑफ़ ऑफकोर्स ये कर ही सकते हैं और पीछे चाहिए तो आप गजरा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप साड़ी भी वेयर कर रहे हैं तो साड़ी पे भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा हेयर स्टाइल पसंद आया तो लाइक करें कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दैट्स इट फॉर दिस वीडियो का इज मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश